नमस्कार, मैं दीपिका बिग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। पर आपने ऐसा देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना, कभी कभी उनकी स्किन जो है वो रूखी रूखी सी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी ड्राई जैसी हो जाती है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन जो है वो ड्राई क्यों हो जाती है, और अगर हो जाती है तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप ट्राई करोगे तो जो बेबी की स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो बाकी लोगों को भी मिले, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली को मिले, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल बिंग मम्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को हमेशा अपलोड करते रहते हैं। और उसके सामने जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कीजिएगा, अगर आप उसे हिट नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, इसलिए उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन जो है वो क्यों ड्राई हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से जो बच्चे की स्किन है वो ड्राई हो जाती है, पर जो चार मुख्य कारण है जिसके वजह से कि बच्चों की जो स्किन है वो फटाफट से इफेक्ट करती है, जिसके वजह से उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो इसमें नंबर वन पे आता है कि जिस जगह पर आप रहते हो या जो आपका घर है उसका टेम्परेचर किस तरह से आप मेंटेन करते हो, ये भी जो है बच्चे की स्किन को इफेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हो सकता है कि जो बेबी है वो आप उनको ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हवा जो है कमरे में आ रही है, या बहुत ज़्यादा जो है ओवर धूप आ रहा है, मॉर्निंग के धूप के अलावा जो धूप होता है वो भी बहुत ज़्यादा धूप कमरे में आ रहा है, तो इस वजह से जो है बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है। या फिर आप जो एसी यूज़ कर रहे हो वो जो है काफ़ी ज़्यादा चिल करके कमरे में आप रखते हो, जिस वजह से कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई हो जा रही है। या फिर एसी ना सही आप वहाँ पे जो है कूलर यूज़ करते हो तो कूलर भी जो है ना आप एकदम लो करके रखते हो, मतलब उसका टेम्परेचर जो है कम कर देते हो, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा ठंडा हवा आपके कमरे में आ जाती है, तो इस वजह से भी जो है बच्चे की स्किन इफेक्ट होती है। तो इस वजह से बच्चे की स्किन जो है ड्राई हो सकती है। या फिर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ की काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और आप जो है ना हीटर यूज़ करते हो और बहुत ज़्यादा जो हीटर का टेम्परेचर है हाई रखते हो, यानी कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे की स्किन जो है ड्राई हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चिल रखोगे तो ये भी इफेक्ट करेगा, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा रखोगे कमरे का टेम्परेचर तो ये भी इफेक्ट करेगा बच्चे की स्किन को ड्राई करने के लिए। या फिर बहुत ज़्यादा आप हीटर यूज़ कर दे रहे हो, यानी कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो एकदम हाई रख दिया है गर्मी रखने के लिए कमरे के अंदर, तो इससे भी बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब आप बच्चे के साथ घर में रहते हो ना, तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, गाइडलाइन यूज़ करनी चाहिए कि अगर आप एसी या कूलर यूज़ कर रहे हो तो क्या टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए, अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हो तो क्या टेम्परेचर आपको जो है वो मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए कि आप जो एसी कूलर या हीटर जो भी यूज़ कर रहे हो उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, या फिर जिस कमरे में बेबी को सुला रहे हो वहाँ पे एकदम से एयर तो नहीं आ रहा है, एकदम मतलब खिड़की बड़ी बड़ी सी और बहुत ज़्यादा एयर आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो धूप आ रहा है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी कारण हो सकता है बच्चे की स्किन को ड्राई करने के लिए। सेकेंड नंबर पर आता है मौसम का बदलना, यानी कि जो मौसम है जब वो चेंज होगा ना, तो इस टाइम पर भी जो है बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म जो है बच्चों की स्किन की जो नमी होती है उसको जो है छीन लेता है, तो इस वजह से भी जो है बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है। और जो नंबर थ्री पर आता है वो है कि ऐसे तो हम सब इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो छोटा बच्चा है उनको कभी भी जो है वाटर पार्क नहीं लेकर जाना चाहिए, या फिर जो सोसाइटी का पूल वगैरह होता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी बच्चे को नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सोसाइटी का पूल भी होता है ना उसके अंदर भी जो है क्लोरीन बाय डिफॉल्ट वो लोग यूज़ करते ही हैं, तो पानी में क्लोरीन रहता है। तो अगर आप बच्चे को ऐसे जगह पे लेके गए और बच्चे को इस पानी से नहला दिए हो ना, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे की जो स्किन है ना वो ड्राई हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बेबी है उसको इस तरह की जगह पर मत लेके जाइए, मतलब वाटर पार्क वगैरह मत लेकर जाइए, या जो हमारी सोसाइटी का पूल वगैरह होता है वहाँ पर लेकर मत जाइए, क्योंकि इस तरह के पानी में जो है ना क्लोरीन होता है, और क्लोरीन जो है बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, उनकी स्किन को बहुत अच्छे से वो ड्राई कर देता है। आपने देखा होगा कि आप भी जब भी पूल वगैरह में जाते हो या वाटर पार्क वगैरह के पूल में जाते हो, तो जो आपकी स्किन होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा
ड्राई हो जाती है, तो अगर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो जो छोटा बेबी उसकी स्किन तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमें है ना पूल वगैरह का पानी, यानी कि जो क्लोरीन जिस पानी में हो, इस पानी से बच्चे को बहुत दूर रखना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे को एक्जिमा का प्रॉब्लम हो या फिर जो बच्चे का क्रेडल कैप का प्रॉब्लम होता है अगर वो है, तो इससे भी बच्चों की जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा रूखी, काफ़ी ज़्यादा बेजान सी दिखाई देती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को एक्जिमा या क्रेडल कैप का प्रॉब्लम है, तो आपको कोई भी टिप्स या ट्रिक नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर इस टाइम पर जो आपको सजेस्ट करेंगे आपको वो करना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से कि बच्चे के स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेजान या आपको जो है रूखी रूखी सी दिखाई देगी। तो अब बात करेंगे कि अब हम ऐसे क्या टिप्स हैं जिसको कि फॉलो करके अपने बच्चे की जो स्किन है उसको एकदम से अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें नंबर वन पे आता है कि जो बच्चे हैं ना उसको आप बहुत ज़्यादा देर के लिए मत नहलाइए, क्योंकि अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़्यादा देर के लिए नहलाओगे ना, तो जो बच्चे की जो स्किन होती है, जो उनकी जो नेचुरल नमी होती है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से भी जो बच्चे की स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, बहुत रूखी रूखी सी दिखाई देगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़्यादा देर के लिए नहीं नहलाना है, बस थोड़े से देर के लिए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है। आप ऑलरेडी उनका हाइजीन मेंटेन करते हो, जब वो पॉटी करते हैं तो उसका डायपर चेंज करते हो, उनका डायपर एरिया जो है उसको अच्छे से क्लीन करते हो, हर चीज़ का प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा देर के लिए नहलाइए, बस थोड़े से देर के लिए उनको नहलाना है। और जो पानी आप उनके नहलाने के लिए यूज़ कर रहे हो, जो आप पानी पीते हो यानी जो पीने लायक पानी होता है, इस तरह के पानी को जो है आप हल्का गुनगुना करके नहलाइए। तो बच्चे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं नहलाओगे, गुनगुने पानी से नहलाओगे, तो जो उनकी स्किन है ना वो एकदम रूखी नहीं रहेगी, ड्राई सी नहीं होगी। तो आप ये कर सकते हो। नंबर टू पर आता है कि जब भी आप छोटे बच्चों के कपड़े की शॉपिंग करो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे का कपड़ा आप ले रहे हो वो सॉफ्ट कॉटन के कपड़े हो, यानी कि सूती के नरम कपड़े आप हमेशा उनके लिए लीजिए, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं उनके स्किन के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों के जो कपड़े हैं वो कॉटन के हों, ताकि वो आरामदायक हों उनके लिए। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जब आप बच्चे के कपड़े साफ करते हो, तो उसको साफ करने के लिए आप किस तरह का डिटर्जेंट यूज़ करते हो। जो डिटर्जेंट है अगर उसके अंदर कास्टिंग सोडा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये भी बच्चों के स्किन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा वगैरह धोते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा ना कि सर्फ कपड़ों में रह जाता है, यानी कि जो डिटर्जेंट है ना वो थोड़ा बहुत कपड़ों में लगा रह जाता है, तो हम उनको हल्का सा झाड़ देते हैं या पानी से धोकर के सुखा देते हैं। लेकिन जो बच्चे के कपड़े होते हैं ना, हम बड़े हैं, हमारी स्किन को वो सर्फ हम लोगों ने हल्का सा धोया या झाड़ झूड़ के भी सुखा देंगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारी स्किन जो है बच्चों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इस तरह का जो डिटर्जेंट है जिसमें कि उनके कपड़े धुले हुए हैं, अगर उसके अंदर जरा सा भी डिटर्जेंट रह जाएगा ना, तो बच्चे के स्किन को वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है, जिससे कि उनकी स्किन जो है वो रूखी रूखी सी हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन भी हो जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि बच्चों के लिए जो आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो ना, उसके अंदर कास्टिंग सोडा जो है वो ना हो, तो ये भी आप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप बच्चे को जब भी नहलाते हो ना, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चे का जो साबुन है वो बहुत ज़्यादा कठोर ना हो, यानी कि जिस तरह का सोप आप अपने लिए यूज़ करते हो वो सोप आप बच्चे के लिए यूज़ मत कीजिए, या फिर जो बॉडी वॉश आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो वो आप अपने बच्चे के लिए यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल ब्रांड्स हैं जो बच्चों के ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके स्किन टाइप को ध्यान में रख करके। तो आप उन चीज़ों पर जो है इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि बेबी के लिए बेबी प्रोडक्ट्स ही हमेशा यूज़ कीजिए। जैसे कि हम अदवी के लिए क्या करते हैं, हिमालय का सोप यूज़ करते हैं, वो बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, प्लस जो बच्चे का सोप है यानी जो हिमालय सोप है वो बच्चे की स्किन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर भी रखता है। तो हम तो हिमालय का यूज़ करते हैं, बट अगर आप चाहो तो कोई और भी ब्रांड का ले सकते हो, बट हिमालय हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सोप है, तो अगर आप चाहो तो ये भी खरीद सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बच्चों को नहलाने के बाद या जब भी आप बच्चे को एसी वगैरह में भी सुला रहे हो ना, तो भी आपको हमेशा बच्चे को ना मॉइस्चराइज रखना चाहिए उनके स्किन को। तो आपको हमेशा जो है बच्चों के लिए बेबी प्रोडक्ट्स के जो मॉइस्चराइजर आते हैं वो यूज़ करना चाहिए। हम अभी करंट हिमालय का ही मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है बेबी के लिए, उसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, मतलब बच्चे के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, बट बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है।
तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों की स्किन जो है वो हमेशा मॉइस्चराइज रहे, ताकि उनकी जो स्किन की नमी है वो बनी रहे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चे के स्किन की टाइप को बेटर करने के लिए, उनकी स्किन को रूखी होने से बचाने के लिए, वो है कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो बच्चे की बॉडी है ना वो हमेशा हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है तो ऑब्वियसली वो इस टाइम पर सिर्फ आपका फीड ले रहा होगा, यानी कि माँ दूध का जो दूध होता है वो पी रहा है। तो आप हमेशा बच्चे को है ना दूध पिलाइए, मतलब हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाइए। तो ये काफ़ी हेल्प करने वाला है उनकी स्किन की नमी को बनाए रखने के लिए। और बच्चा बहुत छोटा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही 5 मिनट जितना वो फीड करता है और फिर वो सो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अच्छे से फीड नहीं किया है, तो आप उनको उठाइए और वापस से उनको फीड कराइए, अच्छे से फीड कराइए। एटलीस्ट 15 मिनट्स एक फीड कराइए, फिर 15 मिनट्स जो है वो दूसरा फीड कराइए। इस तरह से आप उनको प्रॉपर फीड कराइए और हर 2-2 घंटे पर जो है आप उनको फीड कराइए। तो इससे जो उनकी स्किन में जो हाइड्रेशन है वो बना रहेगा, यानी कि उनकी नमी जो है स्किन की वो बनी रहेगी, तो उनकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगा। अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस हो चुका है तो इस टाइम पर वो माँ का दूध अगर पी रहा है तो उन्हें पीने दीजिए। ये बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चा माँ का दूध पी रहा है। प्लस साथ ही आप जो है अगर 6 मंथ प्लस है तो उनका सेमी सॉलिड जो है वो स्टार्ट कर चुके होते हो, तो इस टाइम पर आप और क्या कर सकते हो, आप बच्चे को जो है पानी पिलाइए, बार बार पानी पिलाइए, जितना वो पानी पी रहे हैं उस हिसाब से पानी पिलाइए। ये भी नहीं कि ओवर पानी पिला दिया और उन्होंने उल्टी कर दिया, ऐसा भी मत कीजिए। जितना उनको पानी चाहिए उतना पानी दीजिए, या पानी का टेस्ट जो है उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे तो बच्चे पानी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, चाहे वो नहाना हो चाहे वो पीना हो, पानी उनका फेवरेट होता है। तो अगर पानी पी रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत घबराइए। आप ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिसमें कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि तरबूज, जैसे कि संतरे जो होते हैं, या फिर नींबू होता है, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इस तरह का फ्रूट बच्चे को दे सकते हो। या फिर आप बच्चे को जो है नारियल का पानी दे सकते हो, क्योंकि नारियल का पानी जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मतलब जो चीज़ें आपको माँ के दूध के बाद अगर कोई चीज़ बेस्ट होता है ना, तो वो नारियल का पानी होता है। तो अगर बच्चा जो है उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, तो इस टाइम पर आप बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल का पानी भी दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चे की स्किन जो रूखी हो गई है, जो ड्राई हो गई है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो है कि बच्चों की मालिश। बच्चों की मालिश करके भी हम जो उनकी स्किन जो ड्राई जो हो गई है उनको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो मालिश होता है ना वो बहुत हेल्प करता है उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप उनका मालिश बंद कर दीजिए, आप उनका मालिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो ऑयल है वो सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जो आप बादाम का ऑयल यूज़ कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, तो आप वहाँ पर कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कोकोनट ऑयल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बादाम का ऑयल यूज़ कीजिए, बट मालिश कीजिए, क्योंकि मालिश जो है उनकी स्किन को बहुत इम्प्रूव करने वाला है। जो डेड स्किन होती है, अनवांटेड हेयर्स होता है, उन सब को वो हटाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको मालिश बहुत अच्छे से बच्चे की करनी चाहिए और रोज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे अगर आपके बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई हो गई है, तो अगर आप ये टिप्स यूज़ करोगे तो उनकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि जो उनकी स्किन है वो वापस से कोमल कोमल सी हो जाएगी। तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूखी हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको इचिंग हो रहा है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुजली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई और स्किन डिजीज़ हो गया हो, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप जो ये मैंने आपको टिप्स बताया है ये आपको करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है उनके स्किन को, इनफैक्ट और वो हेल्प करने वाला है। पर आपको डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, कि क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर इस टाइम पर आपको कोई क्रीम वगैरह सजेस्ट करे, जैसे कि उनके स्किन जो उनको इचिंग वगैरह हो रहा है, खुजली जैसा हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। आई होप कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको स्किन जो रूखी हो रही है उसको बेटर करने के लिए जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किया है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर हाँ, और आपके लिए ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप हमारे चैनल बींग मम्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं लेकर आते रहते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको किस तरह से केयर करना चाहिए, इसके टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आते रहते हैं, या बच्चों का और किस तरह से और बेटर तरीके से रख रखाव कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो लेकर के आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके सामने रेड बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।